हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन सो लेट्स स्टार्ट वीडियो गिवन इन एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम ऑफ क्लास नाइन्थ फ्रॉम एन मैथ्स लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन फाइंड हमें जो नंबर्स दिए हैं उनको सॉल्व करके आंसर निकालना है फर्स्ट सिक्सटी फोर टू दी पार वन बाई टू यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हैं नंबर्स इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है जो लॉज हैं उनपे बेसिस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को देख ले जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी होगा लेट्स स्टार्ट सिक्सटी फोर टू दारन बाई टू इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जो हमें बेस दिया गया है इसको हम इसके फैक्टर्स करेंगे फैक्टर्स करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे और उसको उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो 64 को हम किस लिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 को जब सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 मिलता है तो इसको हम इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू होल टू दन बाई टू फिर यहाँ पे सिक्स का सॉरी uh, टू का सिक्स टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं टू टू दिक्स होल टू दार वन बाय टू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है फिर यहाँ पे हम लॉस का यूज करेंगे तो लॉ यहाँ पे कौन सा लग रहा है पावर ऑफ पावर जब किसी नंबर की पावर दी रहती है और उस पर पावर लगी रहती है तो क्या होता है दोनों पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू होल टू दार सिक्स इंटू वन बाई टू फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या मिलेगा टू टू दार थ्री विच इज इक्वल्स टू एट सेकेंड पार्ट थर्टी टू टू दिन बाई फाइव इसको भी वैसे करेंगे थर्टी टू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले जो हमने सिक्सटी फोर किया था का किया था उसमें हमें पता चल गया था कि थर्टी टू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं टू को जब फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्टी टू मिलता है तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख के होल टू दार्ट वन बाई फाइव जो क्वेश्चन में दिया है वो नोट कर लेंगे फिर इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे टू टू दार फाइव फाइव टाइम्स टू का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू टू दाइव होल टू दी दार यहाँ पे भी पार ऑफ पार का फॉर्मूला यूज हो रहा है तो क्या होगा दोनों जो पार्ट हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा टू नेक्स्ट पार्ट थर्ड वन टू वन ट्वेंटी फाइव टू दन बाई फाइव तो यहाँ पे हम वन ट्वेंटी फाइव का एलसीएम लेंगे एलसीएम लेके हम उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तो 125 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम फाइव को जब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 मिलेगा तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव होल टू दार वन बाई थ्री फिर ये थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं पार्ट के फॉर्म में फाइव टू दार थ्री फिर होल टू दी पार वन बाई थ्री फिर यहीं यहाँ पे भी पार ऑफ पार का लॉ यूज़ हो रहा है तो दोनों जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे आंसर हमें क्या मिल जाएगा फाइव तो ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू फाइंड इस क्वेश्चन में भी हमें क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट नाइन होल टू दार थ्री बाई टू फिर नाइन का भी क्या करेंगे हम उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो नाइन को हम थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं जिसको हम पार्स के फॉर्म में लिखेंगे तो थ्री टू दी दार टू होल टू दी क्या दिया है थ्री बाई टू फिर ये पार्स ऑफ पार के फॉर्म में है पावर पे दूसरी पावर लगी तो दोनों पावर क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है थ्री टू दी दार थ्री मीन्स थ्री क्यूब और थ्री क्यूब का आंसर क्या होता है हमारा ट्वेंटी थ्री तो यही हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट थर्टी टू टू दी पार्ट टू बाई फाइव थर्टी टू की पार दिया है टू बाई फाइव तो थर्टी uh, टू को हम टू टू दार फाइव लिख सकते हैं और होल टू दार टू टू बाई फाइव दिया हुआ है दोनों पार्ट क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा टू टू दार टू विच इज टू स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर नेक्स्ट पार्ट थर्ड सिक्सटीन टू दार थ्री बाई फोर तो सिक्सटीन को हम क्या लिख सकते हैं टू टू दार फोर जब टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिक्सटीन मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे टू टू दी पार फोर होल टू दार थ्री बाई फोर जो हमें क्वेश्चन में दिया है फिर दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये फोर और ये फोर कैंसिल हो जाएगा हमें आंसर क्या मिल जाएगा टू क्यूब विच इज इक्वल्स टू एट टू क्यूब का की वैल्यू क्या होती है एट होती है नेक्स्ट पार्ट लास्ट वन ट्वेंटी फाइव टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री अब यहाँ पे क्या है जो पावर दी है वो माइनस में दी है इसको कैसे सोल्व करेंगे नॉर्मली जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स लिखते हैं वैसे फैक्टर्स लिख लेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव को हम फाइव क्यूब लिख सकते हैं होल टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री यहाँ पे भी क्या है पावर ऑफ पावर के फॉर्म में दिया हुआ है तो दोनों जो पावर होंगी क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यहाँ क्या फाइव होल टू दी इंटू माइनस वन बाई थ्री और थ्री 3 और 3 कैंसिल हो, हो जाएगा हमें क्या मिल रहा है फाइव टू माइनस वन तो अगर किसी भी नंबर की पार माइनस वन होता है मींस उसका वो क्या होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल जाएगा वन बाई फाइव जैसे ये फाइव टू दार माइनस वन है तो बेस हमारा क्या है फाइव है तो जब किसी भी नंबर की पार माइनस में दी रहती है तो जो बेस होता है वो क्या होता है डी नोमिनेटर में चला जाता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वन बाई फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री सिंपली फर्स्ट पार्ट टू टू दार टू बाई थ्री इंटू टू टू दार वन बाई फाइव यहाँ पे भी लॉस का यूज करके जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं उनका यूज करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पार्ट में दिया है बेस सेम हो रही कौन सा लॉ यूज हो रहा है बेस सेम है और पार्स डिफरेंट है तो इसमें क्या होता है जो बेस होता है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है और पार्स क्या होती है एड हो जाती है तो बेस को हम वैसे ही लिख देंगे टू और दोनों जो पार्ट दी हैं उनको एड कर देंगे टू टू दी पार टू बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव फिर जैसे हम एल्सीयम लेके सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को वैसे पार्स को सॉल्व कर लेंगे थ्री और फाइव का एल्सीय फिफ्टीन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टेन प्लस थ्री और आंसर हमारा क्या आ जाएगा टू टू पार थर्टीन बाई फिफ्टीन नेक्स्ट पार्ट वन बाई थ्री टू दार थ्री होल टू दार सेवन तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारा दो लॉ यूज होगा यहाँ पे जो हमारा डी दिया है उसको हम न्यूमिरेटर में चेंज करेंगे कैसे करेंगे जो हमारा डी की पार दी गई है जब हम उसको डी से न्यूमिरेटर में चेंज करेंगे तो पार हमारी क्या होगी माइनस में चली जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री टू दी पार माइनस थ्री होल टू दार सेवन अब फिर इसके बाद यहाँ पावर ऑफ पावर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा दोनों पार्स होंगी मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या आ जाएगा थ्री होल टू दार माइनस थ्री इंटू सेवन और यहाँ इनका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर हमारा क्या आ जाएगा थ्री टू दार माइनस ट्वेंटी वन इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पार दी हुई है माइनस में तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं वन बाई थ्री टू दार ट्वेंटी वन जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू में हम लोगों ने किया था फाइव टू दी पार माइनस वन मिला था वैसे ही यहाँ पे भी माइनस में मिल रहा है तो हम इसको या तो फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वन बाई थ्री टू द्वेंटी वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम जो भी लॉ यूज होता है क्वेश्चन में उसको साथ में भी मेंशन करना जरूरी होता है जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस में किया है नेक्स्ट पार्ट इलेवन टू वन बाई टू डिवाइडेड बाई इलेवन टू वन बाई फोर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा बेस सेम है पास डिफरेंट है और डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे लॉ यूज होगा क्या होगा बेस हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा और पार्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी तो क्या आएगा यहाँ पे इलेवन होल टू दार वन बाई टू माइनस वन बाई फोर फिर यहाँ पे हम जैसे फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इलेवन टू दार वन बाई फोर हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट सेवन टू दन बाई टू इंटू एट टू दार वन बाई टू यहाँ पे क्या दे रहा है हमारा बेस डिफरेंट है और पार्स क्या है सेम है तो जब बेस हमारा डिफरेंट होता है पार्स सेम होती है तो क्या होता है बेस का मल्टीप्लीकेशन होता है और पार जो होती है वो एज इट इज कॉपी कर दी जाती है तो यहाँ पे क्या आएगा सेवन इंटू एट होल्ड टू दार वन बाई टू फिर सेवन और एट का मल्टीप्लाई करके हमें फिफ्टी सिक्स मिलेगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फिक्स फिफ्टी सिक्स होल्ड टू दन बाय Two. now thank you everyone this is all about chapter 1 if this video is useful for you then please like subscribe and share this video and links of all remaining exercises of this chapter are given in description box kindly check it out for solution of questions of